आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो ये हमारा नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। पढ़ाने से पहले कुछ डिस्कस करें आपसे त्रिकोणमिति पर, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पहले मैं बता दूँ। पहला तो ये कि इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आप 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, 11th के ट्रिग्नोमेट्री को आप पूरा फार्मूला रिवाइज कर लीजिए। कम से कम आपको फार्मूला पूरा रिवाइज होना चाहिए। पहला काम, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे वो मैं आपको बता दूं कि देखो आप 11th क्लास में पूरा त्रिकोणमिति डिटेल में पढ़े हो तो आपको पूरा फार्मूले का लिस्ट, वैसे आप बहुत जल्दी मैं 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री पर क्लास स्टार्ट करूंगा, तो बाय द वे आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो मेरे 11th के वीडियो आप कंसल्ट कर सकते हैं इसको करने के लिए। तो पहला काम यह है, इसके बिना आपका कुछ भी काम 12th क्लास में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिनको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद नहीं है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्योंकि पूरे उसी से रिलेटेड होते हैं। और ये यदि आपको तैयार है तो इसी के बेस पर आप ये फार्मूले बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्लियर? तो ये काम सबसे पहले आप कर लोगे, मतलब यदि इस वीडियो को पहले आप एक बार देख लो और फार्मूले याद हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप भिड़ के बिल्कुल उसको पूरा रट डालो या पहले से याद होगा एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। अब हम यहाँ पर देखते हैं अपना जो चैप्टर 12th क्लास में है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, तो 11th से रिलेटेड है इसलिए 11th पहले अपने को जानना जरूरी है। तो हम देखें कि एक्चुअल में प्रतिलोम त्रिकोणमिति होता क्या है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स का मतलब, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, सबसे पहले हम आपको इसका डेफिनेशन या इसका मीनिंग समझा दें। अभी आपने पढ़ा फलन वाले चैप्टर में प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, जैसे y इक्वल फंक्शन ऑफ x, ये हमारे पास होता था, y एक फलन है x का, ये हमने पढ़ा। इसलिए इसके प्रतिलोम, इसके इनवर्स फंक्शन को हम किस रूप में पढ़े, तब हम लिख देते हैं x इक्वल एफ इनवर्स वाई। इसके ठीक पहले वाले चैप्टर ने में आपने ये बात पढ़ा है और इसको हम कहते हैं प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर भी सपोज हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, त्रिकोणमिति फलन हो, जैसे मैं कहीं पर लिखा हूँ x इक्वल साइन थीटा, यह एक त्रिकोणमिति फलन है क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का साइन रेशियो यूज़ किया गया है। क्लियर? अब दैट इम्प्लाइज यदि मैं इसको थीटा के लिए लिख दूँ तो थीटा इक्वल टू साइन, इधर आके ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स x, और इसे ही हम कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हो गया, तो ये कहलाता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसको मैं यदि आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाऊं, तो सपोज मैंने कहीं पर लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/2, जो कि सत्य है, आपको पता है कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर यदि हम एक डिस्कशन करें तो हमको पक्का पता है कि साइन के साथ जो होता है, साइन के साथ जो होता है वह कोण होता है, वह एंगल होता है, और राइट साइड में जो होता है वह उस कोण के लिए, उस कोण के लिए उसका मान होता है, उसका वैल्यू होता है, ये आपको पता है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में। सामान्य त्रिकोणमिति में साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक के साथ जो कुछ भी यूज़ होगा, उसके साथ जो कुछ भी लगा होगा, जैसे यहाँ पर साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पर कोण है, और एक्स क्या है, साइन के उस कोण के लिए उसका मान है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइन 30, तो 30 डिग्री क्या है, एक एंगल है, और इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू कितना है, 1/2 है, ये क्या है, इसका मान है। क्लियर? इसी को यदि मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखूँ तो देयरफॉर अब क्या होगा, साइन इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स, ये इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना, 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम देखें तो
तो कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जब होता है, जब कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है तो उसके साथ में उसका मान यूज़ होता है, उसका वैल्यू यूज़ होता है, और इन्वर्स के साथ जो आंसर आता है, जो वैल्यू आता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो उसका कोण होता है। ये बात ध्यान में रखना। सामान्य त्रिकोणमिति में जो साइन या कास के साथ यूज़ होता है वो एंगल होता है, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन कास टेन के साथ में जो यूज़ होगा वह एंगल नहीं बल्कि किसी एंगल का मान होता है, उसका वैल्यू होता है। ये डिफरेंस को आप समझना कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या है। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया कि भाई वास्तव में प्रतिलोम त्रिकोणमिति होता क्या है। अब अपन आगे चलें इसके टॉपिक पर। तो सबसे महत्वपूर्ण मानिए बात यह है कि यहाँ पर कोई प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है अपने पास, तो उसका हम किस तरह से मुख्य मान निकालते हैं। आपको सबसे पहले समझना होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और उसका डोमेन तथा रेंज। उसके डोमेन क्या है, डोमेन माने प्रांत, और उसका रेंज क्या है, ये बात आपको जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ फलन या फंक्शन, उसका ये फंक्शन है और ये सपोज उसका डोमेन है। डोमेन मतलब होता है हिंदी में प्रांत, और ये है सपोज उसका रेंज। रेंज मतलब हिंदी में होता है परिसर। इस पर यदि हम विचार करें तो जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे इसके डोमेन रेंज क्या होंगे, यहाँ पर मैं समझा दूँ, और यहाँ पर मैं अपने बोर्ड में यह डिस्प्ले भी कर दूँगा। ये मैं आपको डिस्प्ले कर दूँगा इसका चार्ट, इसका फार्मूला का, जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेके उसको लर्न कर लेना है। वैसे आज का जो मेरा क्लास है मैं बेसिक चीज़ों को बताऊंगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के क्लास में जो होगी वो है फार्मूला का कलेक्शन। मैं आपको बताऊंगा कितने फार्मूले, कैसे उसको याद करना है, क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, त्रिकोणमिति एक ऐसा मैथ्स है जिसमें यदि स्टूडेंट फार्मूला रट लिया, यदि उसने फार्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, तो सब्जेक्ट उसके कमांड में होता है। मतलब कम्प्लीटली यह फार्मूला पर बेस्ड मैथमेटिक्स है। हमारा 80% वर्क ओनली फार्मूला लर्न करना है, 20% वर्क हमारा एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करना है, मतलब ज़्यादातर काम हम फार्मूला पर। तो आज के क्लास में मैं पूरे फार्मूले आपको एक साथ प्रोवाइड कराऊंगा, और एक दो रोज़ का आपको टाइम दूंगा उसके लिए। एक दो रोज़ में आप उसको पूरा लर्न करोगे, फिर नेक्स्ट वीडियो जब आपको मिलेगा एक्सरसाइज पर, मतलब उसके क्वेश्चन पर, तो यदि जितने स्टूडेंट फार्मूला लर्न करके आएंगे वो बहुत तेज़ी से क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि मैं एक आध एग्जाम्पल यहाँ पर बताऊँ। जैसे साइन इन्वर्स एक्स, यह एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इसका डोमेन मतलब वह कहाँ से कहाँ तक, उसका डिफाइन वैल्यू क्या होता है। तो हमको मालूम है कि वह -1 से +1 तक होता है। -1 से +1 मतलब साइन का सबसे छोटा वैल्यू -1 हो सकता है, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, +1 हो सकता है। तो -1 से +1 तक इसका मान होता है। अब आप उसका रेंज देखो कि यह मान कितने कोण से कितने कोण के बीच में आएगा। तो आपको पता है कि -1 उसका वैल्यू आएगा -π/2 में, क्योंकि साइन -π/2 -1 होगा, और 1 आएगा किस में, π/2 में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इस तरह से। सपोज मैं कास इन्वर्स पर लिखूं, तो कास इन्वर्स एक्स कभी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है, लेकिन कास इन्वर्स का जो वैल्यू -1 है वह -π/2 से π/2 के बीच में नहीं होता, वह पाई में होता है। कास 0 1 होता है और उसका जो -1 है पाई पर होता है। तो इसका परिसर कितना हो जाएगा, 0 to π होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूरा साइन कास से लेके पूरे कहाँ तक, क्षय होगा पूरा कोसेक तक। ये इसका चार्ट यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, और इस चार्ट से उसको आप लर्न कर लोगे कि किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, ये इस चार्ट से आप लर्न कर लोगे। क्लियर? तो ये लर्न करना आपका वर्क है, इसको मैं आपको दिया, इसको आप पूरा याद ही कर लेना, उसको आपको याद करना है। ठीक, इसी प्रकार से टेन का क्या होता है, टेन का इन्फिनिटी होता है, तो -1 से +1 और काट सबका आपको याद करना। तो पहला वर्क मैं आपको दिया, ये फर्स्ट वर्क कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन और रेंज जो मैंने चार्ट दिया है उससे याद कर लोगे। क्लियर? अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है इसका मुख्य मान निकालना, या इसका
व्यापक मान निकालना। देखिए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का, किसी त्रिकोणमिति फलन का दो मान होता है, मुख्य मान और व्यापक मान। मैं आपको पहले सामान्य ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जांपल, मतलब 11th क्लास का, आपको एक बार रिवाइज करा दूं। सपोज कहीं पर यह मुख्य मान की बात कर रहा हूं मैं, मुख्य मान इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान इसका प्रिंसिपल वैल्यू। मुख्य मान होता क्या है, देखिए मैं पहले सामान्य ट्रिग्नोमेट्री का आपको एग्जांपल दूं। सपोज मैं कहीं पर लिखा हूं साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ये तो हमारे जो एंगल हैं उसको हम चार चतुर्थांश में, फोर क्वाड्रेंट में इस तरह से बांट के रखते हैं। ये जीरो होता है, आपको पता है कि ये जीरो डिग्री है, जिस और ये 90 डिग्री है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। अब ये बात आप ध्यान रखना, ये 11 का बेसिक है जिसको मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि सपोज हमारे पास कोई एंगल है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर 360 तक एंगल होता है, सबसे छोटा एंगल 0 है और फिर यहीं पर आ जाते हैं हम कितना 360 में और हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। अब मान लो कोण 360 से ज़्यादा हुआ, तो 360 से ज़्यादा तो हमारे पास ये चार चतुर्थांश में फोर क्वाड्रेंट में जगह है नहीं, लेकिन मान लो हमारे पास जो एंगल है वो 360 नहीं है, उससे ज़्यादा है, मान लो 405 है। सपोज मेरे पास कोई एंगल है 405 डिग्री, ये अब उसको कहाँ लेके जाऊँ मैं, तो 405 को हम कहाँ लेके जाएंगे, इसको सबसे पहले 360 प्लस ये हो जाएगा 45, 360 प्लस 45 इसका मतलब क्या हुआ कि 360 हम यहाँ आ गए और यहाँ से 45 अपन आगे जाएंगे, ये तो ये है एक्चुअल में 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और उसको हम 360 प्लस 45 मतलब 405 अंश भी कर सकते हैं। मतलब यदि कोई कोण 360 से ज़्यादा हुआ, चाहे हजारों में हो, तो जब कोई भी कोण 360 अंश से ज़्यादा होता है इसका मतलब वह बार 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 क्या हो रहा है, उसी में घूम रहा है, और एक बार 360 फिर 720 ऐसा होते होते तो फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि 405 अंश का कोण वही कोण है जो 45 है, क्योंकि इसमें चक्करों की संख्या बस बदल रही है। इस प्रकार से क्या किया गया कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने वैल्यू हैं वो 0 से 360 तक एक बार उसके मान होते हैं और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं तो वो मान क्या होते जाते हैं, रिपीट। थोड़ा ध्यान से समझना, यही ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि 11th क्लास का है, लेकिन यहाँ ज़रूरत है करके उसको मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। दैट मीन्स यदि हम त्रिकोणमिति के किसी भी कोण के मान का अध्ययन करें तो 0 से अपन स्टार्ट करेंगे और 360 तक आएंगे तो पूरे मान क्या होंगे उसके आ जाएंगे, लेकिन यदि 360 से आगे बढ़े तो उसी में फिर वही मान क्या होंगे, रिपीट होंगे, उसकी पुनरावृत्ति होगी अगेन एंड अगेन। तो यहाँ एक समस्या आया कि भाई 360 तक तो ठीक है, 360 से आगे के कोण के लिए मान क्या किया जाए, तो उसका नाम दिया गया क्या, व्यापक मान, ये मुख्य मान हुआ और दूसरा जो होता है व्यापक मान, ये आप पढ़े हो व्यापक मान, इसको बोलते हैं जनरल वैल्यू। इलेवंथ में और डिटेल में अपन पढ़ाते हैं लेकिन यहाँ पर एक बार आपको याद दिला रहा हूँ। तो यहाँ मुख्य मान का मतलब क्या होता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में मुख्य मान का मतलब हुआ 0 degree to 360 degree, 0 degree से 360 degree तक जो मान होता है वो मुख्य मान कहलाता है और उसके बाद यदि उससे ज़्यादा हो जाए तो जनरल वैल्यू कहलाता है, जिसको हम एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब वो चक्करों की संख्या को बताता है, एन, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, तो एन का मान बदलते जाता है। अब यहाँ पर 0 to 360 में भी कुछ खास बात है, कैसे, देखिए अब मैं मुख्य मान पर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मुख्य मान निकालना है। क्या खास बात है, देखिए आपको पता है कि पहले चतुर्थांश में आल प्लस सभी प्लस होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कोसेक ये दोनों प्लस होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और काट ये दोनों प्लस होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक ये दोनों प्लस होते हैं।
इस प्रकार से हमको मालूम है कि कौन कौन कहाँ प्लस होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हूँ, मैं बहुत डेप्थ में इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एक वर्ड भी आपका मिस हुआ तो आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं समझ पाओगे। अब यहाँ पर देखो कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 मेरे पास है, तो यदि मैं इसका मान निकालना चाहूँ, कोण निकालना चाहूँ, तो देयर फॉर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ, या पाई के फॉर्म में लिखना चाहे तो पाई बाई 6 लिख सकते हैं, कई मतलब चाहे डिग्री में लिखो चाहे रेडियन में लिखो। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री हो गया। दैट इम्प्लाइज यदि हम चाहें तो साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो साइन दोनों साथ हट जाएंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। कहने का मतलब यह हुआ कि 1/2 क्या है 30 डिग्री का मान है, और 30 डिग्री हम क्या है यहाँ पर शो करते सकते हैं, ये मान लो है हमारा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये हमारा साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, ये वाला लाइन जो मैंने ब्लैक इंक से यहाँ पर खींचा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अब सवाल क्या है कि साइन थीटा के सामने जो 1/2 है वो क्या है, प्लस है, और साइन कहता है कि भाई मैं दो जगह प्लस रहूँगा, ये जो 4 चतुर्थांश है 4 क्वाड्रेंट है उसमें बोलता है कि मैं 2 जगह प्लस रहूँगा, एक तो यहाँ प्लस रहूँगा क्योंकि यहाँ पर आल प्लस है, सबके सब प्लस हैं, अब बोलता है मैं एक जगह और प्लस रहूँगा, कहाँ, यहाँ, तो 2 जगह वो प्लस रहेगा और ये 2 जगह क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो अपना एक और वैल्यू देगा ये, क्योंकि जितने भी कोण है 0 से 90 के बाद फिर बदलते जाते हैं। मैं क्या बताया थोड़ा ध्यान से सुनना, 0 से 360 तक सबका मान अलग अलग होता है, अब उसमें हम और क्लासीफाई करके स्टडी कर रहे हैं। वास्तव में किसी भी त्रिकोणमिति का जो मान होता है 0 से 90 तक हो जाता है, वही मान आगे फिर क्या रिपीट होता है, लेकिन चिन्ह बदलते जाता है। जैसे यहाँ पर प्लस 1/2 है तो कहीं पर वो माइनस 1/2 भी हो सकता है, कहाँ कहाँ, यहाँ और यहाँ, और यहाँ प्लस 1/2। तो इसका यदि हम संगत कोण निकालना चाहें, हम इसका करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल यदि हम निकालना चाहें, करस्पॉन्डिंग एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इसका अपर डिग्री है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 1/2 है तो साइन यहाँ भी प्लस है, तो 1/2 यहाँ पर भी होगा, तो 180 में उसको माइनस करेंगे तो उसको क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको माइनस कर देंगे किसको, 30 डिग्री को, तो मिल जाएगा क्या 150 डिग्री। मतलब 150 डिग्री भी एक ऐसा एंगल है 30 के साथ साथ जहाँ पर साइन का मान, मतलब साइन 150 डिग्री भी क्या होगा 1/2 होगा, जो इस तरह से होगा, ये सपोज ये 150 डिग्री है ये, और उल्टा जाएंगे तो ये 30 डिग्री होगा, यहाँ से उल्टा जाएंगे 30, क्योंकि 150 प्लस 30 क्या होगा 180 होगा। ये है त्रिकोणमिति के मुख्य मान को जानना। अब सपोज ये माइनस होता, मान लो माइनस होता, हमारा वैल्यू यहीं पर मैं लिख दूं कि साइन थीटा इक्वल टू -1/2 होता, तो साइन थीटा -1/2 का आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री अपन लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन -30 डिग्री लिख सकते हैं, साइन -30 डिग्री, और साइन -30 डिग्री का मतलब हो जाएगा इस 30 की जस्ट अपोजिट ये वाला लाइन। अब इस डिग्री को आपको जानना है तो क्या करोगे, इसमें 180 में 30 ऐड कर दोगे, 30 इसमें ऐड कर दोगे तो 180 डिग्री, तो यहाँ पर एक माइनस वैल्यू और एक माइनस वैल्यू कहाँ पर देगा, वो यहाँ पर देगा। कहने का मतलब मैं फाइनली आपको ये बता रहा हूँ कि हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 4 मान होगा, जिसमें से 2 धनात्मक होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे और 2 निगेटिव होंगे। इस प्रकार से ये जो मुख्य मान है ये 0 से 360 तक होता है, जिसमें फिर ये मतलब 2 मान होंगे, मतलब 2 वैल्यूज क्या होंगे उसके, पॉजिटिव होंगे, 2 वैल्यूज पॉजिटिव होंगे और 2 वैल्यूज क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इस तरह से ये होता है मुख्य मान। लेकिन जनरल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जनरल वैल्यू का मतलब होता है कि अगेन एंड अगेन हम उसमें यदि चक्कर लगाते रहें, इस चैप्टर में उसको नहीं पढ़ना, 11th का टॉपिक है, तो जैसे आपने फार्मूला लर्न किया रहा होगा कि यदि थीटा इक्वल टू 0 हो, साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई, ये इसका क्या है, व्यापक मान है। व्यापक मान का मतलब
यदि हम n का वैल्यू यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी यदि अपन नंबर रखें, पूर्णांक नंबर रखें, तो सभी के लिए उसका मान क्या होगा? जीरो होगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, और n यहाँ पर चक्कर को बता रहा है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार घूमते जा रहे हैं। तो ये तो हमको 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमको इसको नहीं पढ़ना है। हमको इस क्लास में पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मुख्य मान। अभी तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री, सामान्य ट्रिग्नोमेट्री का आपको मुख्य मान निकालना बताया, जो कि 11th का, ये कंप्लीट टॉपिक आपका 11th क्लास है। एक और सजेशन है मेरा आपको, चूंकि आप मेरा चैनल देखते हैं, आप मेरे वीडियो से पढ़ाई करते हैं, तो आपको मेरा एक सजेशन है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि यदि ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति यदि पुअर हो गया, कमजोर हो गया, तो साथ ही साथ कैलकुलस भी कमजोर हो जाता है। उसका सगा भाई है वो। ट्रिग्नोमेट्री जिसका कमजोर होता है उसका कैलकुलस भी कमजोर हो जाता है, और हम बहुत जल्दी कैलकुलस मतलब डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का चैनल में कमेंट्स आता है कि सर कैलकुलस स्टार्ट करो, कैलकुलस स्टार्ट करो। मैं इसलिए हड़बड़ी में स्टार्ट नहीं किया कि भाई कैलकुलस स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ और चीज़ों को स्ट्रांग करना होता है। यदि आपको कोई बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करोगे। आप सरिया खरीदोगे, आप रेती लाओगे, सीमेंट लाओगे, सब आप व्यवस्था करोगे, फिर आप बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करोगे। वैसे ही कैलकुलस को समझने के पहले कुछ तैयारी हमको पहले करनी होती है, क्योंकि हमारा 40-50% सिलेबस तो ओनली कैलकुलस है। एक बार कैलकुलस स्टार्ट होगा तो बहुत लंबे समय तक चलेगा और बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। लेकिन मज़ा तभी आएगा आपको, बिल्डिंग बनाने में तभी मज़ा आएगा जब आपके पास पूरा रॉ मटेरियल कलेक्ट हो। अब आपको बिल्डिंग बन रहा है और ब्रिक्स आपके कम पड़ गए, ईंटें कम पड़ गए, रेत कम पड़ गया, तो आपका काम रुक जाएगा, फिर आप इंतज़ार करो। तो कैलकुलस स्ट्रांग करना है तो कुछ चीज़ों को आपको पहले स्ट्रांग करना है। जैसे आपको फंक्शन समझ में आना चाहिए, जो मैंने पढ़ा दिया। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री अच्छा समझ में आना चाहिए, इसके पूरे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो आपको मेरा सलाह है कि यदि आपका 11th का ट्रिग्नोमेट्री पुअर है तो आप 12th क्लास में आ गए हो, फिर भी अभी मैं कुछ दिनों बाद ही, एक दो दिन बाद ही मैं त्रिकोणमिति का वीडियो डालूंगा 11th क्लास में, उसको भी आप पैरेलल स्टडी कर लेना, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। कुछ समय देकर आप 11th के मेरे वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं 10th क्लास के बाद 11th में आए हुए बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री को एकदम स्टार्टिंग से, जीरो से स्टार्ट करके समझाऊंगा। इस क्लास में मैं उतना डिस्कस नहीं कर सकता, बड़ा सिलेबस है, आप 11th में पढ़ चुके हो, वहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का मुख्य मान निकालना। ये मैंने आपको एक बार रिवाइज कर दिया 11th का आपके टॉपिक। बाकी डिटेल जानना है तो मेरे वीडियो आप देख लीजिए 11th क्लास के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रिंसिपल वैल्यू बिल्कुल वैसा ही निकलेगा जैसे ट्रिग्नोमेट्री का निकलता है। मेरा इसको रिवाइज कराने का उद्देश्य ही वही था। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, साइन इनवर्स 1/√2। सपोज ये हमारा कोई क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√2, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका हमको निकालना है मुख्य मान। इसका ये क्वेश्चन है हमारा कि इस त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है। छोटा सा ये एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 का, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे लिखते हैं देखो, इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले जिसका आपको मुख्य मान ज्ञात करना है उसको आप थीटा के बराबर सपोज कर लो। तो लेट, माना कि साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। बहुत ही आसान है, 11th क्लास का रिवीजन है, इसीलिए उसमें पहले बताया। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को क्या करो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दो। दैट मीन्स दोनों तरफ का साइन लेंगे तो साइन इनवर्स हट जाएगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा। अभी तो बहुत सारे फार्मूले आपको देने वाला हूँ, मैं पूरे चार्ट देने वाला हूँ। तो दोनों क्या होता है, ये कट गए समझ सकते हैं, या ऐसा भी होता है साइन साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। वैसे दोनों साइन कट गए कहना गलत कॉन्सेप्ट है, किसी का इनवर्स मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, वो हट जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट से यदि दोनों तरफ का हम साइन ले लें, ये ले लें, अभी साइन इनवर्स ऑलरेडी है यहाँ पर, और मैं इसका साइन ले लूँ, एक बार लिख ही देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। तो साइन, वैसे लाइन जरूरी नहीं है,
लेकिन चूंकि हम इनिशियल स्टेज में पढ़ रहे हैं तो आपको समझा रहा हूं, साइन साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू, इधर भी साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। दैट इंप्लाइज, अभी मैंने कांस्टेंट बताया साइन साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, तो साइन साइन इनवर्स इक्वल टू क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये हो गया 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा। अब आगे का काम आप पूरा समझ गए होंगे जो मैंने अभी आपको समझाया, तो क्या हो जाएगा देखो आगे, आगे हम इसको सॉल्व करें, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, देयरफॉर मैं एक बार इसको सीधा लिख लूं, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, दैट इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 45 डिग्री या π/4, क्लियर। तो ये क्या है 45 डिग्री के लिए, पाई में जनरली हम एंगल को ज़्यादा लिखते हैं, चलो π/4 लिख लेते हैं, ये दोनों सही है। देयरफॉर अभी आपको मैं समझाया तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4, और आपको एक मुख्य मान निकालने के लिए बोला है, एक ही मुख्य मान निकाला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसका मुख्य मान कितना हो गया π/4, यही क्या है इसका मुख्य मान है। तो कुछ भी नहीं रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपको इन्वर्स फॉर्म में दिया है उसको थीटा के बराबर आप मान लो, और इस फॉर्म में लिखने के बाद उस एंगल को लिख दो, क्लियर। तो ऐसे निकलता है इसका मुख्य मान। अब मैं आपको एक आध दो और अच्छे क्वेश्चन बता दूं, बाकी तो आपको प्रैक्टिस में बताऊंगा, आपको मालूम है आप मेरे मैथ्स के बहुत से वीडियो, तो पहला क्लास में जब कोई, मेरा यह स्टाइल ही है, मेरा यह तरीका है कि जब भी मैं क्यों कोई न्यू मैथमेटिक्स स्टार्ट करता हूं या फिजिक्स भी स्टार्ट करूं, दोनों में से कोई भी, तो पहला दिन का क्लास मैं कंप्लीटली फंडामेंटल पर बात करता हूं, और वो सही भी है तभी आगे समझ में आता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं अपने रेगुलर ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूं कि न्यू चैप्टर स्टार्ट किया उस दिन यदि कोई स्टूडेंट अब्सेंट कर लिया तो उसका गया, तो आपको पहले दिन का जो मेरा क्लास का वीडियो है उसको बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लूँ इसमें, यह तो बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपन क्वेश्चन लेते हैं, बाकी इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना, एनसीईआरटी बुक में अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन का, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से आपको बहुत फायदा है। सपोज कुछ अच्छा क्वेश्चन लिया, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, टेन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई टू, टेन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई टू, सब एक जैसा बनेगा, है कुछ नहीं, सब वैसी के वैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, आया हुआ है कई बार एक क्वेश्चन, टेन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई टू का क्या निकालना है अपने को, मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो वर्क तो ऐसे ही होगा, बिल्कुल वर्क का तरीका चेंज होगा ही नहीं, सबसे पहले आप इसको थीटा के इक्वल मान लोगे, तो लेट मैंने माना कि साइन इनवर्स टेन इनवर्स वाली साइन माइनस पाई बाई टू इक्वल टू थीटा, दैट इंप्लाइज हम दोनों साइड का टेन ले लिए, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो टेन हट जाएगा, तो हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई टू इक्वल टू टेन थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा मैथमेटिक्स है, आगे मैं आपको बताऊंगा या 11th का वीडियो देखना, मेथड इसमें बहुत होते हैं, मेथड क्यों बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूले बहुत हैं, फार्मूले बहुत हैं, तो कोई दूसरा फार्मूला लगा ले, कोई टीचर दूसरा फार्मूला लगा ले, कोई राइटर दूसरा फार्मूला लगा ले, तो उसके स्टेप्स अलग अलग छोटे बढ़ जाते हैं, कोई 4 लाइन में बनाएगा उसको कोई 10 लाइन में बनाएगा, उसी को कोई 12 लाइन में बनाएगा, क्योंकि फार्मूला पर बेस्ड मैथमेटिक्स है, जो प्रॉपर फार्मूला यूज़ करता है वो बहुत कम स्टेप में बना पाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया, अब हमको मालूम है साइन माइनस पाई बाई टू, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू इक्वल टू, ये हो गया टेन थीटा, दैट इंप्लाइज इसको हम लिख सकते हैं, टेन थीटा को मैं लेफ्ट साइड लिख दिया, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई टू, साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो क्या हो गया ये माइनस 1 हो गया, दैट इंप्लाइज इसको आप लिख सकते हो टेन थीटा इक्वल टू माइनस, और 1 को अपन लिख सकते हैं क्या, टेन पाई बाई 4, क्योंकि टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये सब एंगल आपको याद होना चाहिए, टेन 45 अंश का मान 1 होता है, दैट इंप्लाइज अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू, ये माइनस हटाना पड़ेगा, तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो टेन माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, अब दोनों तरफ का टेन इनवर्स से हट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो गया माइनस पाई बाई 4, ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा।
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है इसके प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट। इसके और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, कुछ मैं और आगे करा दूंगा। अब आज के क्लास का मेरा मेन जो फोकस है आज के क्लास का, वो है आपको फार्मूला का, पूरे फार्मूले का कलेक्शन देना और उस फार्मूले के बेस पर आपको आगे के मैथ्स को बनाना। तो देखिए इसकी इसके फार्मूले के हम इसकी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, गुण। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे एकाध को मैं बता दूं आपको, ये प्रॉपर्टी में एकाध का प्रूफ बता दूं मैं, प्रॉपर्टीज, इसके प्रगुण कह सकते हो आप। जैसे एक है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये एक प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। ये फार्मूला इसको आपको याद करके रखना है, इसका आगे हम सॉल्व करेंगे तो यूज़ होगा। और इसका तो कैलकुलस में मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूँ, यदि कैलकुलस स्ट्रांग करना है तो पहला काम है ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग करना। बाद में आप नहीं बोलना कि सर कैलकुलस में प्रॉब्लम हो रहा है, कैलकुलस में प्रॉब्लम मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है। अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि ये कैसे प्रूफ होगा। तो सबसे पहले हम इसमें से किसी एक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। किस तरह से, हमने मान लिया लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू साइन थीटा, दैट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू साइन, और अब अपने को पता है चूंकि इसमें कास लाना है तो साइन को कास में चेंज कर दो, इसको हम लिख सकते हैं कास पाई बाई टू माइनस थीटा, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्लियर। दैट इम्प्लाइज अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल, अब यहाँ से क्या करो इसमें थोड़ा सा चेंज लाओ, ठीक है। अब इसको हम फिर इन्वर्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो दैट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं क्या, पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल कास इन्वर्स एक्स, या उसको मैं इधर लिख लूँ, एक ही मतलब है, चलिए सीधे लिख लेता हूँ ताकि एक लाइन में लिखा जा सके। That implies cos inverse x equal to pi by 2 minus theta, ये हो जाएगा। That implies अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos inverse x equal to pi by 2 और minus theta हमने किसको सपोज किया है, sin inverse x को, तो theta की जगह में क्या लिख सकते हैं, minus sin inverse x। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया sin inverse x प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा प्रूफ। इसी तरह से साइन और कास, इसी तरह से फिर टेन और काट, और उसी तरह से सेक और कोसेक। टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू होता है, वो आपको लर्न करना है। और प्रूफ करने का सबका मेथड बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा होगा, किसी एक को आप थीटा सपोज करना, ये करना, फिर 90 माइनस करके आप उसको लिख सकते हो, ये बनाने का तरीका है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे आज के कॉन्सेप्ट। अब कंटिन्यूअस मैं आपको फार्मूला प्रोवाइड कराता हूँ, और फार्मूला प्रोवाइड कराने के पहले मैं 5 मिनट फार्मूला पर आपसे बात करता हूँ, उसी हिसाब से आप लर्न करोगे। वन बाई वन मेरे बोर्ड पर डिस्प्ले होगा फार्मूला, और वो फार्मूला आप किस तरह से लर्न करोगे ये पहले बता दूं, फिर मैं एक एक करके डिस्प्ले करूंगा। पहला जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला का लिस्ट जो होगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स रूट ऑफ एक्स, ये सब फार्मूले ये आप लर्न करना, फार्मूला को आपको याद करना है। दूसरा जो फार्मूला का लिस्ट आपको मिलेगा वो क्या है, कन्वर्सन फार्मूला। कन्वर्सन फार्मूला मतलब रूपांतरण, मतलब साइन को कास में या साइन को टेन में या साइन को केस, ये यूनिक कलेक्शन है, ध्यान रखना, ये मेरा बहुत मेहनत करके बनाया हुआ कलेक्शन है। इसको आपको मैंने बहुत जगहों से एक जगह कलेक्शन किया हुआ है। और तीसरा जो फार्मूला आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि इसके बाद आपको बोर्ड में ये वन बाई वन मिलेंगे, थोड़ी देर तक स्क्रीन में रहेंगे, उसमें आप स्क्रीन शॉट ले लेना, स्क्रीन शॉट लेने के बाद उसको आप अपने रफ कापी में, फेयर कापी में लिख लेना और उसको लर्न करना। तीसरा नंबर का जो फार्मूला मिलेगा वो आपको मिलेगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं,
ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन, इसको थोड़ा सुन लो। ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन मतलब त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन, क्योंकि फार्मूला पर डिस्कस नहीं करूंगा, केवल लिस्ट दे दूंगा, फिर आप हड़बड़ा जाओगे कि इसको कैसे क्या क्या पढ़ना है। त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन है क्या कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में एक्स के जगह में हम कौन सा त्रिकोणमिति फलन को रखें कि उसको बनाने में क्या हो जाए, सुविधा हो जाए, आसान हो जाए, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन। और ध्यान रखना, इसका 100% यूज़ होगा कैलकुलस में, कैलकुलस में इसका 100% यूज़ होगा। इसको मैं एक बार फिर जब कैलकुलस पढ़ाते समय आपको याद दिलाऊंगा, लेकिन इसका कलेक्शन में दे दिए रहता हूँ। प्रतिलोम त्रिकोण, वास्तव में मैं प्रतिलोम त्रिकोण मिति को इम्पॉर्टेंस छोटा सा चैप्टर है इसलिए ज़्यादा देता हूँ क्योंकि पूरा कैलकुलस इसी पर बेस्ड होगा, तो कैलकुलस के हिसाब से इसको अपने को पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री सब, यह भी मेरा बनाया हुआ बहुत यूनिक चार्ट है, कलेक्शन करके मैंने बनाया है, एक बुक में एक जगह आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन का चार्ट, तो तीन फार्मूला आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक जनरल फार्मूला का लिस्ट, ये रट डालोगे इसको, कन्वर्सन फार्मूला का लिस्ट, कन्वर्सन को अपन हिंदी बोलेंगे रूपांतरण, बाइलिंगुअल आपको मिलेगा रूपांतरण, रूपांतरण मतलब साइन को कास में बदलना, कास को टेन, मैंने एक को किसी भी दूसरे में अपन बदल सकते हैं, और इसके बिना बहुत से क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, और ये बता दिया। तो फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि मैं वन बाई वन यहाँ पर बोर्ड में डिस्प्ले कर रहा हूँ अपने फार्मूले का कलेक्शन, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आप उसको लर्न करिए, ठीक है। तो चलिए मैं इरेज कर देता हूँ, और अब आपको मेरे बोर्ड में मिलेगा फार्मूला का कलेक्शन, थोड़ी देर तक बोर्ड में रहेगा, तब आप उसका स्क्रीन शॉट ले लेना वन बाई वन और नोट्स बना लेना, क्लियर। चलिए देखिए, तो बोर्ड में डिस्प्ले है। ठीक है, तो आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, और आपको आज का क्लास मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, और आपको फिर जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि अगला क्लास आपका तभी अच्छे से हो पाएगा जब ये फार्मूला का लिस्ट अभी आपने कलेक्ट किया है वो आपको तैयार रहे। लिस्ट देख के आप घबराए हो गए होंगे, सर इतना सारा फार्मूला, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, इलेवंथ जैसे है, लेकिन रटना ही है। एक बात आपको बता दूँ, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो आप में से जितने स्टूडेंट ये फार्मूला याद करके आएंगे फटाफट क्वेश्चन बताएंगे, कुछ नहीं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ है ही नहीं है, हर क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, आपको अपना कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक क्वेश्चन का फ्रेम रहेगा, वो फ्रेम किसी न किसी फार्मूला को मैच करेगा और सीधा उसमें आप उसको लगाओगे और वो सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ओनली इसके एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन फार्मूला आप बताओगे। ओके, थैंक यू।